गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको कंपनी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं हमारे प्रोराटा अलॉटमेंट से रिलेटेड और फॉरफेट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 53 तक की सारी वीडियो मेरी यूट्यूब पर अपलोड है, कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप जाके देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पर है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उसका नोटिफिकेशन आपको डेली मिलेगा। रात 9 बजे और एक दोपहर 2 बजे मेरी दो वीडियो श्योर शॉर्ट आती है और आप उनका देख सकते हैं, लेकिन रात को 9 बजे तो आनी आनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, वानी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन इशूइंग 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम 10% ऑफ द अमाउंट वर पेबल एज अंडर। देखो, बहुत से यूट्यूबरों की वीडियो भी ऑनलाइन व्यूअर्स देख रहे होंगे, बड़ी बड़ी एनालिसिस टेबल बनाती है। वो जितनी देर एनालिसिस टेबल बनाने में निकालते हो उससे कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एनालिसिस टेबल बना के बच्चे, बहुत से बच्चे करते हैं, बहुत से यूट्यूबरों की वीडियो देखते हैं, एनालिसिस टेबल बना के करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो समझाने के लिए होता है। केवल 10 मिनट आपके पास एग्जाम में इतना समय नहीं होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, सिर्फ 12 मिनट मिलेंगे आपको करने के लिए। अगर आप 13 मिनट ले रहे हैं तो किसी एक क्वेश्चन का लोगे, दूसरे क्वेश्चन का लोगे, यानी कि क्वेश्चन को जितना आपके जितने नंबर का क्वेश्चन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, उसका मतलब 8 ही मिनट आपके पास अवेलेबल है। अब ये तो होता नहीं, कोई क्वेश्चन एवरेज ज्यादा भी ले जाता है, कोई एवरेज कम भी ले जाता है। अगर आप सबके करो 34 क्वेश्चन आने हैं आपके, 20 नंबर के एमसीक्यू आने, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो, 40 मिनट का समय मिलेगा। अब बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपके टोटल जो क्वेश्चंस मिला के बनेंगे, लास्ट में 10 से 15 मिनट ही दिखेंगे तुम्हें बचते हुए। 10 से 15 मिनट इसके लिए होते हैं कि कई बार आप रीचेक कर सको टोटल, आपने कहीं गलती तो नहीं कर दी। तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस की स्पीड बनाओ, एक मोबाइल से कैलकुलेशन करना बंद कर डालो, छोटी कैलकुलेशन है। अच्छा, कंपनी में तो सबसे अच्छी बात यह है, एंट्रियाँ तो सेम है, एंट्री में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो यार क्यों एनालिसिस टेबल बनाए, उसका क्वेश्चन को वहीं के वहीं सॉल्व कर दो ना। और वो जो कैलकुलेशन मैं करता हूँ ब्रैकेट में करके, अमाउंट को ब्रैकेट में लिखता हूँ, तुम भी वैसे लिखो, उसके नंबर पूरे मिलते हैं, कहीं नहीं कटते नंबर। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। मोर देन 18 ईयर्स हो गए मुझे बोर्ड की कॉपियां चेक करते हुए, तो इसलिए मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम्हें। और एग्जाम तक तुम्हें मैं हर एक चीज के क्वेश्चन भी बताऊंगा, कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड कौन से क्वेश्चन कैसे पूछता है, एमसीक्यू किस पैटर्न के आते हैं, वो सब बताऊंगा आपको। जुड़े रहो चैनल के साथ, स्टार्ट करें। वानी लिमिटेड ने इनवाइट किया एप्लीकेशन 1 लाख शेयर्स का, 10 रुपए का एक है, 10% प्रीमियम। तो 10 रुपए का 10% निकालोगे तो आएगा 1 रुपए, यानी कि 10 रुपए का शेयर कितने रुपए पे इशू किया गया है, 11 रुपए पे। एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट साथ ही मांगी है इन्होंने, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की मांगी है 7, इसमें 4 रुपए है इंक्लूडिंग प्रीमियम, 1 रुपए भी है। फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉल हमारी 4 रुपए की है और सेकेंड एंड फाइनल कॉल है 3 रुपए की। तो देखें क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 54 है टीएस ग्रेवाल का, 1 लाख शेयर इशू एट द रेट 10 रुपीज ईच एट प्रीमियम 1 रुपीज ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना है 4, इंक्लूडिंग प्रीमियम तो 3+1 हो गया, 3 रुपए का शेयर हो गया और 1 रुपए क्या हो गया प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पे कितना है 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितना है, तो शेयर की वैल्यू होगी 11 रुपए, यही है ना। बस इतनी ही एनालिसिस टेबल है मेरी, भंडारकर जी समझ में आ रहा है, तो यहां इतना ही हमारे को दे रखा है। और इससे बाहर फालतू की एनालिसिस टेबल ही बनानी है, सारी कैलकुलेशन यही पे खत्म हो जाएगी। एप्लीकेशन आई 1,50,000 शेयर्स की, वर रिसीव्ड एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द ऑल एप्लीकेंट्स, यानी कि सभी शेयरों को हमने प्रोराटा अलॉट कर दिया। आप देखो 1.5 लाख शेयर्स को हमने कितने देने हैं, 1 लाख, तो इसका मतलब 15 शेयरों को कितने देने हैं, 10। ये तो हुआ, एक एक जीरो हटाते जाओ तो 15 और 10 ही दिखाई देगा। जिसने 15 शेयर मांगे उनको कितने दिए, 10, तो उनका 5 शेयरों का जो पैसा एक्स्ट्रा आया है उनको हमने एडजस्ट किया है कॉल्स पे। तो जो पैसा एक्स्ट्रा मिल जाता है उसे कहते हैं, जब कॉल्स का पैसा एडजस्ट होता है उसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस, क्या कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस। यहां पे देखें
फिर कह रहा है एक्सिस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन कॉल्स, जितना भी एक्सिस मनी आएगा उन्हें कॉल्स पे एडजस्ट करेंगे। पार्क अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड 600 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, इसके शेयरों को तुरंत फॉरफिटेड कर लिया गया। उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल की गई, सॉरी द सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, ओके सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल अभी तक मांगी नहीं गई है। उसमें से हाफ फॉरफिटेड शेयर को रीइशू कर दिया, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप पे रीइशू कर दिया। जनरलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ वानी लिमिटेड, ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट वेन एवर नेसेसरी। तो इसे कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर अकाउंट आपको खोलने होंगे जब आपको जरूरी हो। स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको या एक बार और समझाऊं। 1,00,000 शेयर इशू किए, 1,50,000 के लिए एप्लीकेशन आई, जिनका एक्स्ट्रा पैसा आया उनको फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। एक शेयर होल्डर था जिसने 600 शेयर मांगे थे, उसको कितने दिए गए वो तो हमें निकालना पड़ेगा अप्लाइड एलोटेड करके। 600 अप्लाइड किए थे, हमें निकालना क्या है अलॉट, उन्होंने कितना शेयरों का पैसा एडवांस दे दिया, कितना रह गया उनके शेयरों को फॉरफिट कर दिया, उसमें से आधे शेयर हमने 8 रुपीज फुल्ली पेड पे रीइशू कर दिए, क्लियर है। फाइनल कॉल अभी मांगी नहीं है तो ये वाली एंट्री तो होनी नहीं है, हमें तो ये वाली दो करनी है और फॉरफिटेड की करनी है। और ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2023 में। अब देखो इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ये पैटर्न पकड़ो, पैटर्न को फॉलो करना सीखो। 2023 मतलब रिसेंटली न्यू पैटर्न पे है, तो अब जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी पैटर्न पे बेस्ड आएंगे, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम आपकी 6 एंट्रियां देखने के लिए, 8 एंट्रियां देखने के लिए मिलेंगी। आसान है, स्टार्ट करें, ज्यादा जल्दी होगा। पहली एंट्री क्या होती है बताओ, बताओ, इतना टाइम हो गया क्वेश्चन करते हुए। बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब देखो यहां पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ साथ है तो यहां पे दोनों लिख देंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव, क्या मैं मान लू समझ में आ गई, कितने शेयरों के लिए एप्लीकेशन आ गई, 1,50,000 शेयरों के लिए, कितने शेयरों के लिए आ गई, 1,50,000 शेयरों के लिए एप्लीकेशन मनी क्या हुई आपको रिसीव हुई, और आपने एडजस्ट किस पे किया है, प्रोराटा पे। तो आपको यहां पे 1,50,000 अमाउंट बताओ कितनी आएगी, मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा, क्या मैं मान लू ये वाली अमाउंट समझ में आ गई, क्लियर है। एक चीज का ध्यान रखना है यहां पे, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ ही प्रीमियम है, एप्लीकेशन के साथ ही क्या है प्रीमियम, ठीक है। तो प्रीमियम पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जब एसपीआर आपको मिलता है और एसपीआर नहीं मिलता है उसकी एंट्री हम जब फॉरफिट करेंगे तब हम ध्यान रखना है इसका, वो मैं क्वेश्चन में कराता हूं। सेकंड एंट्री बताओ क्या हो गई, ये जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट है उसी को डेबिट कर दो, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 6,00,000 टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा जो हमने इशू किया है, जो हमने इशू किया है कितना इशू किया है, 1,00,000, और अमाउंट कितनी है इसकी, 3 रुपए कितना आएगा, 3,00,000, समझ में आ गया। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी कि आप एसपीआर बोलते हो उसको शॉर्ट्स में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आएगा, 1,00,000 शेयर्स हैं और 1 रुपए का एक है तो कितना हो जाएगा, 1,00,000। अब जो पैसा आपको मिल गया उसे क्या कहोगे आप, कॉल्स इन एडवांस, क्या कहोगे, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस कितना हो जाएगा, 4,00,000 तो ये हो ही गया तो बचा कितना, क्या मैं मान लू ये तो समझ में आ गया, बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी
ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ या ना? आ गया। थर्ड नंबर की एंट्री है शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। ड्यू तो पूरी अमाउंट से होगा, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। कितने शेयर है हमारे पास? 1,00,000, और फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी है? 4। तो 1,00,000 × 4 करोगे तो कितना आएगा? 4,00,000। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? जहां समझ में नहीं आया वहां पूछोगे तभी समझ में आएगा। स्टार्ट, बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? आ गया? कोई डाउट्स है? क्लियर है? पहला एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री याद हो गई। अब देखो यहां पे क्या हुआ, एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास कितने शेयर थे? 600 शेयर थे। पार्थ नाम का शेयर होल्डर था, 600 शेयर थे, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, और उसके शेयरों को फॉरफेटेड कर दिया गया। ये तो बड़ी गड़बड़ है, इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। छोटा सा एक वर्किंग नोट बनाते हैं। आप क्वेश्चन के एंड में बना सकते हो, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तो आप क्वेश्चन में 3 एंट्रियों की जगह छोड़ दो, 3 और एक 4 एंट्रियों की जगह छोड़ के फिर आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहां पे क्या है, पार्थ के पास कितने थे? 600 शेयर थे, 600 शेयर क्या थे? अप्लाइड थे। तो इसको अलॉट कितने किए गए थे ये हमें निकालना है। पार्थ ने 600 शेयर अप्लाइड किए थे, जब अप्लाइड किए थे हमें क्या निकालना है? अलॉट। तो ऐसे निकालना है, टोटल शेयर अलॉट अपॉन टोटल शेयर अप्लाइड। ध्यान रखें जो चीज दी होती है वही बेस में आती है। अगर यहां अलॉट दिया होता तो बेस में अलॉट ही आता, यहां अप्लाइड दिया होगा तो बेस में क्या आएगा? अप्लाइड। इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। अब आप देखो टोटल शेयर अलॉट कितने करने हैं हमने? 1,00,000। टोटल शेयर अप्लाइड कितने हुए थे? 1,50,000। और नंबर ऑफ शेयर अलॉट अप्लाइड कितने हुए थे? 600। तो निकालो कितना आएगा? 400 अलॉटेड। तो 400 शेयर क्या आ गया? अलॉटेड आ गया। अब हमारा अलॉट तो निकल गया, अब हमें अमाउंट निकालनी है कि उसने कितना पैसा हमें एडवांस दिया था, उसको फाइंड करना है। तो यहां ध्यान रखें, उसने दिया था हमारे को 600 शेयरों पे पैसा, 600 शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट 4 रुपीज ईच, 2400 आ गया। जबकि हमने एक्चुअल शेयर कितने दिए उसको? 400 शेयर दिए, उस पर एप्लीकेशन की मनी आई 4 रुपए के हिसाब से, 1600 रुपए। तो उसका एक्स्ट्रा पैसा कितना आया हमारे पास? 800 रुपए। ये आया हमारा कॉल्स इन एडवांस। अब हमें फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू निकालना है, फर्स्ट कॉल का मनी ड्यू कितना हुआ। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, 600 से मल्टीप्लाई नहीं कर रही है, आपने जो ये अलॉट निकाले थे इससे ही मल्टीप्लाई करोगे आप। कितने हैं फर्स्ट कॉल की मनी ड्यू? 400 शेयर्स पे एट द रेट 4 रुपए के हिसाब से कितना बैठता है? 1600 रुपए। अब ये जो पैसा आपको कॉल इन एडवांस मिल गया था वो तो मिलेगा नहीं, तो कॉल इन एडवांस क्या कर देंगे यहाँ पे हम? माइनस कर देंगे 800 रुपए। तो ये जो आएगा निकल के, ये आएगा कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल की मनी जो आपको ड्यू हुई थी 4,00,000 की, फर्स्ट कॉल की मनी जो ड्यू थी 4,00,000 की, ये अब आपको रिसीव होगी। यहां पे देखो फर्स्ट कॉल की मनी कैसे रिसीव होगी, बैंक अकाउंट
डेबिट, यहां पे जो कॉलिन एडवांस था ये वाला 2 लाख, ये तो मिलेगा नहीं आपको, यहां पे क्रेडिट था, यहां पे क्या हो जाएगा कॉलिन एडवांस डेबिट, तो कॉलिन एडवांस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक अकाउंट और खुल जाएगा कॉल्स इन एरियर, तो ये जो एरियर है वो कितना है 800 रुपए, और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब आप समझो इसको, 4 लाख रुपए क्रेडिट कितने से, ये डेबिट कितने से है 4 लाख, तो क्रेडिट कितने से होगा 4 लाख, 4 लाख में 2 लाख रुपए आपको पहले मिल गए, तो बचे हुए 2 लाख, 2 लाख में से 800 नहीं मिलेंगे, यानी कि जो 2 लाख हैं 4 लाख में से, एक तो ये 2 लाख माइनस हो जाएंगे और ये 800 रुपए एरियर के, तो कितने हो जाएंगे 199,200, और कॉल्स इन एरियर कितना जाएगा 800 रुपए। समझ में आ गया, दोबारा समझाऊं? आ गया, ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 4th नंबर की एंट्री थी, अब देखें 5th नंबर। अब हमने इन शेयरों को फॉरफिट कर दिया, जब हम शेयर फॉरफिट करेंगे तो एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फॉरफिट होंगे, 400 या 600? 400। तो 400 शेयरों पे अभी तक हमने मांगा कितना था, एप्लीकेशन और फर्स्ट कॉल का मांगा है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ थी, फर्स्ट कॉल। ध्यान रखना सिक्योरिटी प्रीमियम फॉरफिटेड नहीं होता, ठीक है? तो यहां पे जो अमाउंट आएगा वो 4 और 3 कितना आएगा 7, तो कितना हो गया ये 2800 टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जो आपको फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला था, ठीक है ना? फर्स्ट कॉल पे एरियर अमाउंट कितना था हमारा, कितना आया था यहां पे देखो 800 रुपए। तो इसका मतलब जो पैसा आ गया उसे कहेंगे हम शेयर फॉरफिटेड में डाल देंगे। और मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम फॉरफिटेड नहीं होता, आपको मिला कितना अमाउंट है यहाँ पे 2400 रुपए, और 400 रुपए 1 रुपए प्रीमियम है, तो कितना हो गया 400 रुपए माइनस कर दो तो कितना जाएगा यहाँ पे 2000। समझ में आया? फिर समझा देता हूं, शेयर फॉरफिटेड में जो मिल गया कंपनी को, इसमें से 400 रुपए एसपीआर वाले माइनस कर देना, अगर आप ये नहीं माइनस करेंगे तो आपका क्वेश्चन मिलेगा नहीं और एग्जाम में गलत हो जाएगा। बस ये गलती करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स। सिक्योरिटी प्रीमियम कभी फॉरफिटेड नहीं होता क्योंकि वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता। यहां तक समझ में आ गया? बीइंग शेयर फॉरफिटेड, अब कंपनी ने क्या किया, आधे शेयरों को रीइश्यू कर दिया, तो एंट्री क्या बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां देखो आधे शेयर कितने हुए, 400 का आधा कितना हुआ 200, और कितने पे रीइश्यू किया 800, 8 रुपए पे, तो कितना जाएगा 1600 रुपए। लेकिन शेयर कैपिटल हमारी पूरी 10 रुपए की आएगी क्योंकि फुल्ली पेड किया है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2000। तो 1 शेयर रुपए अमाउंट हमारा 2 रुपए कम लिया हमने, तो हम 400 रुपए हमें कहां से निकालना पड़ेगा, शेयर फॉरफिटेड से। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 200 शेयरों पे 2 रुपए के हिसाब से कितना जाएगा 400। बीइंग शेयर रीइश्यू, अब लास्ट एंट्री है, यहां पे देखो जो फॉरफिटेड का अमाउंट का पैसा है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री बन जाएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और एक गलती यहां पे भी होती है जो मैक्सिमम बच्चे कर जाते हैं, बीइंग शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब वो गलती क्या हुई,
क्योंकि आपने आधे शेयर रीइशू किए, कितने शेयर इशू किए आधे, तो ये जो अमाउंट है ये तो पूरे शेयरों का है, ये जो अमाउंट है ये जो 2000 का जो अमाउंट है ये सब सारे शेयरों का है, तो आधे शेयरों का कितना अमाउंट होगा, 2000 इंटू 200 अपॉन 400, ये आएगा 1000 रुपए, कितना जाएगा 1000, और जिसमें से आपने 400 रुपए निकाल लिए, 1000 में से 400 निकालोगे तो कितना रह जाएगा 600 रुपए, यही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ऐसे नहीं सीधा 2000 में से 400 माइनस कर दो, ऐसे मत करना, ठीक है ना, क्योंकि 2000 जो अमाउंट है वो 400 शेयरों का है, तो 200 शेयरों का कितना हुआ अमाउंट 1000 रुपए, 1000 में से 400 रुपए निकाल लिया हमने फॉरफिट से, तो बचा कितना हमारा, ठीक है 600 रुपए, ठीक है, समझ में आ गया। और ऑनलाइन इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, रात को 9 बजे एक वीडियो जरूर आती है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो को डीएम करें, रिप्लाई जरूर करूंगा, थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।